तो गाइज यार आज है मेरे पास इतने सारे एक ही कंपनी के अलग अलग मॉडल के आपको ये माइक हैं। हालांकि आप यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर टीचर हैं, जो यूज़ में आप लाना चाहते हैं हर एक माइक आपको उस यूज़ में आ जाएगा। हर एक माइक में आपका थोड़ा फंक्शन अलग अलग है, प्राइस भी आपका अलग अलग है। एक आपका सिंगल चैनल का भी, एक आपका डुअल चैनल का भी यहाँ पर मिल जाता है। तो एक ही कंपनी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि ग्रीन एरो कंपनी का है। यहाँ पर आपको बता दें जो कि J13 आपका दो मॉडल है, जो कि दोनों आपका सेम है बट कलर की थोड़ी सी आपको डिफरेंस यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पे एक मॉडल आपका मिलता है S13 Pro है, यानी आपका इसका मॉडल अलग है। P10 मॉडल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है P11 और P11 आपको। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको एक आपको निकाल के दिखाते हैं J13 ग्रीन एरो J13 आपको निकाल के दिखाते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है आपको हम बताते हैं। देखिए हर एक बॉक्स में आप तो, हालांकि मैं सारा बॉक्स नहीं खोलूंगा क्योंकि आपको सारे बॉक्स में एक ही आपको सिस्टम मिले हुए हैं, कुछ कुछ आपको फंक्शन बस अलग मिले हुए हैं। आपको दिखाते जो कि J13 का आपका लुक कुछ इस प्रकार, ये आपका ब्लू कलर में है और ये आपका ये ग्रीन कलर में है। तो अभी आपको हम ब्लू कलर का दिखा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये अडेप्टर आपका यहाँ पे और ये आपका जो कि रिसीवर है जो कि माइक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की अगर हम बात करें तो बता दें आपको दोनों में आपका सेम फंक्शन है। यहाँ पे आपका 20 मीटर के जो कि रेंज है, ट्रांसमिशन रेंज, जो कि आपको वायरलेस अगर 20 मीटर से अगर आप एबव जाएंगे तो आपका फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रिसाइज रेडियो आपको और यहाँ पे क्लियर टिम्बर, हाईली सेंसिटिव, वायरली कंफर्टेबल, यानी सारा फीचर आपको मिल जाता है आपको J13 में। और आपको चलिए हम बात करते हैं जो कि ये आपका हुआ, अगर हम प्राइस की बात करें तो 2499 का आपका, यानी 2500 का आपका ये ग्रीन एरो जो कि डुअल चैनल का माइक यहाँ पे मिल जाता है आपका। ये हुआ ब्लू कलर और ग्रीन कलर की आपकी बात हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं लास्ट में, आपको हम बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे है मेरे पास S13 Pro, इसका रेंज आपको दिखा दे जो कि आपका 30 मीटर है। इसका आपका 20 मीटर ही था बट इसका रेंज आपका 30 मीटर है। इसका है आपको 2699 यानी 2700 के लगभग आपका ये पड़ जाएगा। इसका थोड़ा सा लुक आपको चेंज मिल जाता है यहाँ पे, हालांकि इसमें भी आपको सेम चीज़ें मिले रहेंगी जो चीज़ में आपको है उसमें J13 में मिले हैं, सेम चीज़ें इसमें भी आपको मिल चुके हैं। बट इसका आपका जो आपका लुक है थोड़ा सा अलग मिल जाता है, बट सारा आपका डुअल चैनल है, इसमें भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ भी इसकी माइक की जो कि दे रखी है। इसका आपको फीचर की अगर फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेम वही आपका फंक्शन मिल जाता है बट यहाँ पे 20 मीटर की जगह आपका 30 मीटर मिल जाता है। बाकी आपका प्राइस 200 रुपये आपका बढ़ जाता है। तो ये रहा आपका जो कि देख सकते हैं S13 Pro, इसमें एक आता है आपका S13, सिर्फ S13 होता है, हालांकि वो मॉडल मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे आता है जो कि P10 मॉडल है, जो कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यही ग्रीन एरो P10 हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका फीचर काफी बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ आपका सिस्टम सही नहीं है या फिर कुछ वैसा। आपका भी अंदर में थोड़ा सा येलो कलर की मिल जाती है बट इसकी जो क्वालिटी आपको सारे ग्रीन एरो से आपका ये क्वालिटी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते बट थोड़ा आपको बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे ग्रिपिंग काफी बढ़िया है सारे माइक की और एडेप्टर की, हर एक में आपको लाइट भी लगी हुई है और यहाँ भी आपको किसी भी कॉलर वगैरह में आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। इसका फंक्शन आपको ज़्यादा ही मिल जाता है। फंक्शन ज़्यादा में क्या क्या मिलता है आपको बता दें, टाइप सी चार्जिंग हालांकि सारे में है आपका, 50 मीटर ट्रांसमिशन यानी आपका ये सब 20 मीटर 30 मीटर था बट ये आपका 50 मीटर है, 2.4 GHz वायरलेस टेक्नोलॉजी, ANC नॉइज रिडक्शन भी दे रखा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग इंड्योरेंस जो कि आपको यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, 800 mAh की बैटरी, अल्ट्रा लो डिले है जो कि आपका कभी कभी होता क्या है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है बट इसमें आपका वैसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हाईली सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग कंपेटेबिलिटी, 360 आपका ऑर्डिनेट डायरेक्शन रेडियो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपका बहुत सारे इसमें फंक्शन आपका दे रखे हैं बट कुछ कुछ फंक्शन आपका सारे में आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बता दूँ जो भी आपका यूज़ करता हूँ, ये मेरा ग्रीन एरो का जो कि P10 मॉडल है, इसकी प्राइस आपको बता दें 2999 यानी आपका 3000 के लगभग आपका इसका प्राइस मिल जाता है। अब ये लास्ट में बात करते हैं जो कि आपका ये P11 मॉडल जो है, इसमें आपका एक सिंगल चैनल का है, एक आपका डुअल चैनल का है। तो ये आपका ये है डुअल चैनल, यहाँ पे आपको दो माइक यहाँ पे मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दो माइक मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे इसका कलर, हालांकि कलर तो यही हम मेरे पास आया हुआ है बट इसकी और भी जो आपको दिखा दे रिसीवर एडेप्टर जो आपके मोबाइल में लगेगा, इसका आपका कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका कुछ इस प्रकार दे रखा है। इसको हम लगाते हैं इसमें, हर एक आपको माइक में आपका केबल मिल जाएगा जो कि आपको चार्जिंग के लिए, आपको एडेप्टर किसी भी मोबाइल में लगा करके इसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसे पीछे में आपका बैटरी भी लगा हुआ, बटन भी लगा हुआ है, किसी भी कॉलर में लगा के आप आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
आपको बता दें अगर क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा सा आपका ये जो P11 है इसमें आपका थोड़ा सा क्वालिटी मतलब लो है, उतना आपका क्वालिटी नहीं है जितना आपका ये P10 में दिया हुआ है। इसका क्वालिटी थोड़ा सा आपका लो मिल जाता है, यानी थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन जो है वो इसमें उतना नहीं हो पाता है, बट फिर भी हद तक ओवरऑल सही है। तो ये रहा मेरा P10 का। और यहाँ पर अगर लास्ट बात करें सिंगल चैनल का, तो ये है सिंगल चैनल जो कि आपका एक ही माइक इसमें मिलेगा, एक माइक है और एक आपका यहाँ पे जो कि एडाप्टर दे रखा है। इसकी अगर हम बात करें फीचर की, फीचर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 20 मीटर यहाँ पे भी का रेंज दे रखा है, वन क्लिक नॉइज रिडक्शन है, हालांकि इसमें दे रखा है बट मैं जहाँ तक आपको बता रहा हूँ ये सारा मैंने यूज़ करके देखा, जो आपको वॉइस इसमें मिल जाएगी क्लियरिटी जो आपका मिल जाएगा, बट एक चीज़ मुझे मतलब इसमें सारे में उतना मतलब अच्छा नहीं लगा, जो कि आपको थोड़ा सा अगर तेज़ अगर रिकॉर्डिंग करता है, यानी कुछ भी हम रिकॉर्ड करते हैं अगर कॉलर पर लगा के, तो आपका ये जो है थोड़ा सा स्लो होता है, यानी बहुत फास्ट हम नहीं, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं आती है, थोड़ा सा स्लो होता है। अगर और ज़्यादा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग होता तेज़ तो ये ज़्यादा ही बढ़िया था, बट ओवरऑल अगर हम बात करें आपको सारे में से क्या लेना है, हालांकि इतने सारे आपको माइक देख के काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, बट आपको बता दे आप अगर P10 लेते हैं तो आपकी क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग जो भी होगी अच्छी क्वालिटी में होगी, इसका रेंज भी आपको काफी बढ़िया दे रखा है, बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया आपका दे रखा है। तो गाइज आज के वीडियो में इतने सारे माइक है जो कि आपको जो भी परचेज करना है आपको वहां पे अमेजन पे जाकर के आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, जो मॉडल आप डालिएगा वो मॉडल सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी आपको इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जाकर मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।